अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आप उनसे ताली देख लीजिए, आप बात करिए ना, उसको दे दो भैया पूरा वीडियो बना देगा। आप उस भाई को ताली देखिए, मुझे बताइए भाई पे ताली देखिए, उस पर ताली कितनी आवेदन की तारीख। मेरी बात तो सुनो, पांचवी बार आप कौन बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं आप, मध्यप्रदेश सरकार ने मुझे सुनिए, मध्यप्रदेश नहीं, उसके बाद जब मैं नाम बताता, आप यहाँ देवास में सारे अधिकारियों से पूछ सकते, लगभग वहाँ चामुंडा का चलो सब अधिकारी पास नंबर सेव नाम से है। मध्यप्रदेश शासन ने मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था, ठीक है ना, मैं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रह चुका हूँ। आप पांचवी बार भी मुझे उठाकर बोल रहे हैं कि कौन बोल रहे हैं आप, कौन बोल रहे हैं, चलिए मैंने पूछ लिया, पर उसके बाद मैंने आपने क्या बोला, नहीं मैंने क्या बोला, मैं आज पांचवी बार बोल रहा हूँ, वो फाइल क्यों नहीं आगे बढ़ रही, सिर्फ आपकी साइन से डायरेक्टर साहब के पास जाना है। ये ना तो कोई मेरे परिवार का व्यक्ति है, ना कोई मेरा रिश्तेदार है, मेरा भारतीय जनता पार्टी का पैदा ही नहीं करता। पूरा मीडिया है आपका मोबाइल, आप उठा के देखिए, पैसे की बात तो इसलिए की है कि दो साल से फाइल पेंडिंग है, तो हो पैसे की बात आपने, नहीं मैंने आपको बोला कि आपके विभाग में पैसे की आवश्यकता, हाँ तो पैसे की अभी भी इस फाइल को अभी बढ़ाने में चलो मेरी बात सुनो, ऐसे आते नहीं है भैया, क्या हो जाएगा, आठ दिन बात कर रहे हैं, कोई फाइल की बात नहीं, आप इसको आपके पास भेज देना, कागज कम्प्लीट देते हुए यदि रोकने किसी के प्रयास है तो फिर मैं उस स्तर पर बात की ठीक, बस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, उसके कागज कम्प्लीट है, सिर्फ व्यक्ति मान सम्मान स्वाभिमान के लिए करता है, जिसको मेरा सिर्फ ये है कि हमारे 50 लोगों के काम करना ही है हमको, बस चाय पे चलो चल आ जाओ, कैमरा बंद करा दो, बात करनी है, चलो भैया आज आप माइनिंग में पहुंचे थे, क्या मामला, हमारे एक सोनकच के कार्यकर्ता ने यहाँ पर मुरम खदान के लिए आवेदन लगाया था 2022 से लगातार वो सारे कागज फिलअप कर चुका है, लेकिन लगातार यहाँ से उसको बार बार किसी न किसी कारण उसकी फाइल को अलग पटक दिया जाता था। माइनिंग अधिकारी को आज जब मैंने आज के पहले भी 4 बार फोन लगा चुका था, हर बार वो कहती थी मैं आगे देखती हूँ, आज 5वीं बार जब मैंने फोन लगाया तब भी उन्होंने मुझसे पहले तो मेरा परिचय पूछा, जबकि मैं 4 बार ऑलरेडी उनको परिचय दे चुका था कि मैं राजेश यादव हूँ, विकास प्राधिकरण का पूर्व अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला महामंत्री हूँ, आज भी उन्होंने परिचय पूछा था, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, मैंने उनको बोला कि इस प्रकार आप एक हम कार्यकर्ता पे बैठ के कार्यकर्ताओं काम करते हैं और बार बार आप अभी तक परिचय पूछे, नंबर भी सेव नहीं है आपका, जबकि जिलाधीश कलेक्टर SP सबके पास नंबर सेव है और आपको नंबर सेव करने की जरूरत ही नहीं है, आप एक तो कार्यकर्ता काम नहीं कर रही है, 2 साल से उसकी फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है, कुछ लेना देना हो तो मैं बेसिक व्यवस्था जुटा देता हूँ, और मैं पैसे लेके भी आया था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में पूरे देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रही है और यहाँ पर 2 साल से फाइल पेंडिंग पड़ी हुई माइनिंग में, जब उनसे बात की अभी उन्होंने सब अभी पूर्व पार्टी अध्यक्ष आए थे, कुछ विषय पे चर्चा हुई है, कोई फाइल उनकी रखी थी 2 साल से जो कंप्लीट नहीं हो पाई है, क्या कुछ पूरा मामला था, किस तरह की बातें हुई? हाँ, अभी कार्यालय में राजेश यादव जी जो उन्होंने मुझे बताया कि मैं पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष हूँ और उनके आने के पूर्व उन्होंने मुझसे फोन पे चर्चा की और फोन पे उन्होंने मुझसे बड़ी अभद्रता पूर्वक बात करी और फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं ऑफिस में आके अभी आपको बताता हूँ, तो इस तारतम्य में वो मेरे दफ्तर आए थे। कौन सी फाइल का मामला था, क्या कुछ मामला था? एक एप्लीकेशन है उत्खनिपट्टा का, उसके संबंध में वो चर्चा करने आए थे, चूँकि आवेदन में जो अनुमतियाँ होती है वो अधूरी है और नक्शे में भी क्षेत्र सीमांकित नहीं था और उसको मेरा पढ़ना और मौका देखना शेष बचा था, तो उनको मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा समय दे, तो वो उन्होंने अपनी उग्रता पूर्वक मेरे से यहाँ पर बातचीत की और कई तरह के आरोप लगाए। कितने सालों से फाइल रखी हुई है और क्यों संज्ञान नहीं लिया गया इसमें, मतलब 2 साल से फाइल रखी है? ये आवेदन है 2023 का और अभी 2024 चल रहा है। आपकी जॉइनिंग कब हुई?
मुझे अभी 7 महीने फाइल को लेकर क्या अपडेट है अभी? उनका आरोप था कि सागरदत्त फाइल किसी अन्य कारण से, एक्चुअली अभी आचार संहिता खत्म हुए 20 दिन हुए हैं और उसी दौरान हमारे यहाँ सीएम महोदय के आदेशानुसार सतत अवैध उत्खनन परिवहन पर कार्रवाई चल रही है और मेरे द्वारा जिले में गत माह 102 प्रकरण बनाए गए हैं जिनकी कार्यालय में प्रकरण पुटअप करना और अन्य कार्यालयीन कार्य में बिजी होने की वजह से ये ऑफिस वर्क थोड़ा सा बिजी हुआ है। उनका कहना था कि हम पैसे ले जाते फाइलों को लेकर, इस तरह के सीधे आरोप लगाए हैं। हाँ, उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं जो बेबुनियाद है और ये मुझे उन्होंने प्रताड़ित करने के लिए आरोप लगाए हैं। अभी आपने कहा है कि आपके साथ आपको प्रताड़ित किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और आप पे आरोप भी लगाए, इसको लेकर? हाँ, उन्होंने आप लोगों के समक्ष ही जोर से चिल्ला के और डराने की कोशिश करी और अभद्रतापूर्वक बात करी और उन्होंने मुझे बड़ा चैलेंज दे के बात करी कि आप यहाँ रह नहीं पाओगी, अभी आपका मैं स्थानांतरण करा दूंगा और अब आप फील्डों पे काम करके देख लो और इस तरह की फिजूल बातें। क्या माना जाए, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आकर आपको धमका रहे? नहीं, मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन जो कुछ हुआ वो आप लोगों के समक्ष है। इसमें नक्शे पे सीमांकन नहीं है, रिपोर्ट आनी बची। उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी शिकायत प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री से भी की जाएगी आशय घटनाक्रम को लेकर। हाँ, उन्होंने मुझे ये धमकी दी है कि मैं मुख्यमंत्री से आपकी शिकायत करूंगा। आपकी शिकायत करूंगी, मैं मेरे वरिष्ठ अधिकारियों से बात करूंगी, कलेक्टर महोदय और हमारे एसडी महोदय से बात करने के पश्चात में जो भी होगा निर्णय लूंगी। कहां की फाइल है? ये जलेरिया तहसील सोनगंज। आपका परिचय? रश्मि पांडे, जिला खनन अधिकारी देवास। क्या पूरा मामला था, आपने चर्चा भी करी यहाँ पे? हमारे आने से पहले सारी समस्याओं का निदान हो गया था तो मैंने तो फॉर्मली बात की, क्वेश्चन से पूछा। तो यहाँ पे जो खनिज अधिकारी, उनका कहना था कि जो आज घटनाक्रम हुआ उसको वरिष्ठ अधिकारी से बात करेंगे, अभी तो वो वरिष्ठ अधिकारी का आशय कलेक्टर से होता है, अब वो कलेक्टर महोदय से बात करेंगे। जितना आपके सामने जो हुआ उतना ही मैं जानता हूँ। सर, आप आए थे अभी, आप किस तरह का वाद विवाद था फाइल रखी थी 2 सालों से? और वो जो कि मेरा विषय नहीं था इसलिए मैंने उस फाइल के संबंध में कोई बात नहीं की। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि कोई यहाँ इफ एंड बट ना हो, दोनों लोगों को समझाने के हिसाब से मैं आया था। मेरे आने से पहले ही सारी चीज़ों का पटाक्षेप हो गया था। फाइल वाइल के संबंध में मैडम बात करेंगे, कलेक्टर से बात करेंगे और कलेक्टर साहब। सर, बीजेपी कार्यकर्ता थे जो आए थे भी? बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो आए थे? राजेश यादव जी का नाम बता रही थी, बाकी का तो मुझे नहीं मालूम था और कौन कौन। थैंक यू।